स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाइटल इन्फो। आज हम शुरू करेंगे क्लास टेंथ का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आप लोग सोच रहे होंगे कि दोनों में अंतर क्या है, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, दोनों में बहुत अंतर है। देखेंगे चैप्टर पढ़ने के साथ साथ। सबसे पहले तो ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्यों पढ़नी है हमको केमिकल रिएक्शन। आप अपने आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखो, जैसे आप रेस्पिरेशन करते हो तो क्या करते हो, ऑक्सीजन लेते हो, CO2 बाहर निकालते हो। आप घर में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखते हो, फोटो प्लांट्स होते हो, क्या होता है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, क्या बनाते हैं, ग्लूकोज फॉर्मेशन करते हैं। कैसे फॉर्मेशन करते हैं, एटमॉस्फेयर से CO2 को लेते हैं और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन। आप आयरन देखो, जब आप देखते होंगे कि आयरन को जब आप बहुत टाइम तक अगर एनवायरमेंट में ऐसे का ऐसे रख देते हो तो उस पर रेड कलर की एक लेयर बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग, रस्टिंग होना, जंग लग जाती है, वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन। सो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन पढ़ना इंपॉर्टेंट तो है अपने आसपास की सारे प्रोसेस को देखने के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे मैंने बोला कार्बन प्लस ओ2 क्या है, ये कार्बन है, एटमोसफियर में ऑक्सीजन होगी, उसके साथ में रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, CO2 की क्या है, एक केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो सब्सटेंस जो है वो दो क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं। रिएक्शन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस नॉन एज द केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल या कोई भी सब्सटेंस रिएक्शन करके अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कोई भी चेंज करता है और एक नया सब्सटेंस को फॉर्मेशन करता है, एक नए सब्सटेंस को बनाता है, और इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आगे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, कर्ड। आपने देखा होगा कि जब मम्मी क्या करती है, दूध के अंदर दही जमाती है, तो दूध में क्या डालती है, थोड़ा सा दही डालती है, आप देखते हो सुबह तक वो बिल्कुल एकदम दही, गाढ़ा दही के रूप में जम जाता है। क्या, क्यों बना हुआ ऐसा, क्योंकि वहाँ पर भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। दूसरा आप देखते हो आयरन, आयरन की कोई भी रॉड ले लो तो उसके अंदर थोड़े टाइम बाद में रेड कलर की लेयर बन जाती है, वो क्यों हुआ है, उसमें जंग लगी, तो इसका मतलब ये क्यों हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है और हमें इन सब चीज़ों के बारे में ही पढ़ना है। इन सब चीज़ों के आगे आप दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ोगे, क्या, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्या होता है ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, देखो बच्चों ऐसा होता है कि मान लो मैंने बोला कि ए प्लस बी ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, सी प्लस टी बना रहे हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या होगा, इस ए और बी ने क्या करा होगा, अपने अंदर दोनों ने आपस में रिएक्ट करा होगा, अपने अंदर कुछ चेंजेस करे होंगे और ये किस में कन्वर्ट हो गए होंगे, सी और डी के अंदर। एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला हाइड्रोजन गैस H2 कौन सी गैस फॉर्म में होती है, पता है आप लोगों को। मैंने बोला O2 गैस फॉर्म में होती है, ये भी पता है। अगर मैं इन दोनों की रिएक्शन करवाती हूँ तो वाटर बनता है, वाटर की फॉर्मेशन होती है, क्या बनता है, H2O। हुआ क्या यहाँ पे, इस H2 और O2 ने आपस में कुछ केमिकल रिएक्शंस करी, दोनों ने अपनी कुछ स्टेट में चेंज करा और किस में कन्वर्ट हो गई, ये H2O, यानी कि एक नया सब्सटेंस बना दिया, नया फॉर्मेशन कर दिया कोई भी केमिकल। तो यहाँ पे ये कि वो सब्सटेंस जो कि अपने आप में केमिकल चेंजेस करता है, कोई भी केमिकल चेंज अंडरगो करवाता है, उसको आप क्या बोलते हो, रिएक्टेंट। जैसे यहाँ पे अगर रिएक्टेंट को एग्जांपल लूँ तो ए और बी आपस अंदर अपने अंदर क्या कर रहे हैं, केमिकल चेंज अंडरगो करवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, ए और बी क्या है, रिएक्टेंट्स। ये जो भी नया सब्सटेंस बनता है, जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि ये जब केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, अपने अंदर कोई भी केमिकल चेंज कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, सी और डी बना रहे हैं। अगर मैं नीचे वाले एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे क्या बन रहा है, H2O, तो इसका मतलब ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। तो ये बात ध्यान रखना कि कोई भी सब्सटेंस अगर अपने अंदर केमिकल चेंज अंडर को करता है तो वो क्या होता है, रिएक्टेंट। और उस केमिकल चेंज से जो भी आपको प्रोडक्ट मिला है उसको आप क्या बोलोगे, जो भी नया सब्सटेंस आपको मिलता है उसको आप क्या बोलते हो, प्रोडक्ट। ठीक है, आगे देखिए एक और एग्जांपल, ये देखिए यहाँ पे H2 और O2, इन दोनों में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है। क्या बना रहे हैं, H2O, तो ये क्या है मेरे, रिएक्टेंट। और यहाँ पे एक नए कंपाउंड की या नए केमिकल की फॉर्मेशन हो रही है, वो क्या है मेरा, H2O, तो ये क्या है, प्रोडक्ट। आगे देखिए, अब एक और चीज़ बात बेटा, कोई भी जब केमिकल रिएक्शंस होती है तो आप उसको कैसे ऑब्जर्व करोगे, वहाँ पे बहुत सारी जैसे स्टेट चेंज हो सकती है। स्टेट चेंज कैसे हो सकती है, जैसे आप घर पे देखते होंगे कि अगर मैं बर्फ़ है, आप उसको निकालो,
आप उसके अंदर उसको थोड़ी देर ऐसे ही रख दो रूम टेम्परेचर पे, क्या होने लग जाएगा, वो किस में कन्वर्ट होने लग जाएगी, लिक्विड में चेंज होने लग जाएगी। तो यानी कि वहाँ पर भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, आपको स्टेट चेंज होती भी नज़र आती है कि लाइक कोई भी स्टेट चेंज हो रही है, कोई सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड से कोई गैस में चेंज हो रही है। तो कोई भी आप जब केमिकल रिएक्शन देखते हो ना बेटा, तो ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि वहाँ पर आप उसको कैसे ऑब्जर्व करोगे, स्टेट चेंज हो सकती है, कलर चेंज हो सकता है, कोई टेम्परेचर चेंज हो सकता है, किसी गैस का इवोल्यूशन हो सकता है, कोई न्यू गैस बन सकती है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हो जहाँ पे आप केमिकल रिएक्शन को होते हुए देख सकते हो। पहला अगर मिले हो इवोल्यूशन ऑफ गैस, एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने जिंक, जिंक क्या होती है एक मैटर, अगर मैं आपको बोलूँ कि जिंक का आप H2SO4 क्या होता है, एक एसिड होता है, अगर आप जिंक को इस एसिड के अंदर डालोगे तो आप क्या देखने को मिलोगे, वहाँ पे गैस बाहर निकलती है और वो गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस। तो जब आप जिंक को आप एक टेस्ट ट्यूब लो, उसके अंदर आप क्या डालोगे, H2SO4 और वहाँ पे जिंक का मेटल डालो, तो आपको एक गैस इवॉल्व होती दिखेगी, वो कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस। तो आपको कैसे पता चला देखने पर, वो जब गैस इवॉल्व हुई तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि जहाँ से भी कोई गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्यों, कैसे पता चला, इस गैस के निकलने से पता चला वहाँ पर। तो इसका मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस का भी क्या है कि वो हमको ये बात बताती है कि वहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन कंडक्ट हो रही है। दूसरा आगे देखो, और मैंने अभी बताया कि कभी भी चेंज में भी अगर कलर आपको चेंज देखने को मिलता है तो वहाँ पे भी आप ये पता लगा सकते हो कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन किसके बीच में, एक सिट्रिक एसिड और दूसरा आप पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। आपको कैसे बताता है कि यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, जब उसके अंदर आप सिट्रिक एसिड डालते हो तो वहाँ पे जो पर्पल कलर होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर, आप ये देख भी पा रहे होंगे। तो इसका मतलब वहाँ पे पर्पल कलर किसमें चेंज हो रहा है, कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर। तो मैंने बोला कि पर्पल कलर जो है किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का, ये क्या हो रहा है, कलरलेस बन रहा है। और ये चीज़ हमको वहाँ पे क्या बताती है कि इसका मतलब वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन कंडक्ट हो रही है। हमने अभी तक दो बातें पढ़ी, अगर कभी भी आपको कोई गैस इवॉल्व होती हुई दिखती है तो इसका मतलब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन कंडक्ट हो रही है। दूसरी बात, अगर आपको कभी कभी किसी में भी कलर चेंज देखने को मिलता है तो इसका मतलब वहाँ पे भी क्या हो रही है, एक केमिकल रिएक्शन कंडक्ट हो रही है। एक और बात बेटा बहुत ध्यान से, ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी, चाहे इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, टेम्परेचर में चेंज हुआ, कलर में चेंज हुआ, वो सब आपको एक साथ देखने को मिले। किसी किसी केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज देखने को मिलता है, किसी किसी केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व होती हुई दिखती है, किसी किसी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज देखने को मिलता है। हर सारी चीज़ें आपको एक केमिकल रिएक्शन में देखने को नहीं मिलेगी। और आगे देखते हैं, मैंने अभी बताया टेम्परेचर में चेंज, आइस का एग्जाम्पल सबसे अच्छा होता है। आप आइस को थोड़ी देर छोड़ दो, क्या होगा, केमिकल रिएक्शन में चेंज होने की वजह से वहाँ पर वो किस में चेंज होने जाएगी, लिक्विड में चेंज होने लग जाएगी। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन किक वाटर टू फॉर्म स्लैक लाइम इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द चेंज इन टेम्परेचर विच इज राइज इन टेम्परेचर। वही है कि जब आप टेम्परेचर को राइज करते हो तो आपको कोई भी अपनी स्टेट में चेंज देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे और देखो, ये एक और एग्जाम्पल है। आगे फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ढंग से, क्योंकि ये आगे प्रिसिपिटेशन एक बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन भी आता है कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होती क्या है। देखो इसको मैं समझाती हूँ, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ पे सुनना। आप मान लो क्या कर रहे हो, कोई भी दो लिक्विड्स ले रहे हो, इसको ऐसे समझ लो, दो लिक्विड्स लिए मैंने, कोई भी सॉल्यूशन हो सकते हैं लिक्विड के, जैसे यहाँ पे बेरियम क्लोराइड और H2SO4 है, ये दो देखो एक्वस, एक्वस का मतलब, हाँ एक और चीज़ बहुत ध्यान रखना, लिक्विड का मतलब होता है कि यहाँ पे हम देखिए जो ब्रैकेट में दिख रहा है ना आपको, कि एक्वस सॉलिड, ये सब क्या चीज़ें होती है, हम जो भी यहाँ पे केमिकल ये ले रहे हैं ना केमिकल्स, इनकी स्टेट बताता है। एक्वस का मतलब होता है कि वो सॉलिड किसके अंदर डिजोल्व है, लिक्विड के अंदर डिजोल्व है। मैंने बोला सॉलिड, आपको बताइए सॉलिड, लिक्विड का मतलब प्योर स्टेट लिक्विड, और कभी कभी आपको ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे गैस भी देखने को मिलेगा, मतलब जो भी सब्सटेंस आपने लिया है वो कौन सी फॉर्म में अंदर है, गैस फॉर्म के अंदर है। यहाँ पे मैंने प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, मान लो मैंने टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या डाला, यहाँ पर BaCl2 बेरियम क्लोराइड डाला, और बेरियम क्लोराइड कौन से स्टेट में बेटा, लिक्विड, लिक्विड का मतलब ऐसा होता है कि एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि वो घुला हुआ है, उसके अंदर सॉलिड जो स्टेट है वो किसके अंदर, लिक्विड में घुली हुई है, उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो मैंने क्या करा, उसमें BaCl2 डाला। अब उस BaCl2 के साथ मैं एक और चीज़ क्या डाल रही हूँ, मैं एसिड डाल रही हूँ, वो एसिड कौन सा है, H2SO4, ये भी किस में होता है, एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि लिक्विड फॉर्मेशन के अंदर। अब
इसमें हुआ क्या कि आपको जब आप इन दोनों को डालते हो तो आपको थोड़ी देर बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो मेरी टेस्ट ट्यूब है ना, इसके नीचे यहाँ पे आपको सॉलिड्स पार्टिकल, यहाँ पे ऐसे जमा हुआ, नीचे नीचे जाके सॉलिड जमा हुआ दिखता है, और इसी को बोलते हैं अपन प्रिसिपिटेशन, और बाकी लिखा जाता है इसको बोलते हैं पीपीटी, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन यानी कि पीपीटी, और ये कौन सी फॉर्म के अंदर होती है, सॉलिड फॉर्म के अंदर, और इसी को बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होना। यहाँ पे क्या होता है कि जब BaCl2H2O क्या बना, बैरियम सल्फेट, तो इसका मतलब मैं ये बोल दूँ कि यहाँ पे जो मुझे प्रिसिपिटेट मिलेगा सॉलिड फॉर्म में, वो किसका सॉल्यूशन फॉर्म में मिलेगा, बैरियम सल्फेट का सॉल्यूशन फॉर्म मिलेगा, और साथ में यहाँ पे लिकेज, यहाँ पे जब वो लिक्विड फॉर्म में या एक्वस फॉर्म बोल दूँ, और वो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे HCl मिलेगा। तो इसलिए बात ध्यान रखना है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है कि जब भी मैं तो एक्वस केमिकल्स को जब डालती हूँ तो उसमें से क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से एक सॉलिड पार्टिकल उस टेस्ट ट्यूब के नीचे जमा होने लग जाता है, और उसी को मैं क्या बोलती हूँ, पीपीटी या बोलती हूँ प्रिसिपिटेशन। कौन सी फॉर्म के अंदर होता है, सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूँ तो जब बैरियम क्लोराइड की रिएक्शन में H2SO4 से करवाऊंगी तो मेरे को क्या मिलेगा, BSO4, ये मेरा क्या होता है, पीपीटी यानी कि प्रिसिपिटेशन। और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का। वो डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा है कि बताओ क्या होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वहां ही आप एग्जांपल दे सकते हो। आगे देखो, नेक्स्ट आपको दिख भी रहा होगा, ये बता भी देती हूं मैं, ये देखो बेटा, ये कोई भी आप दो लिक्विड्स डाल रहे हो और वो नीचे जाके जमा होने लग जाएगा। आगे केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, तो एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, सबसे पहले मैं यहाँ पे तुम्हें दो डिफरेंस बताऊंगी, मैं डिफरेंस बताऊंगी यहाँ पे, एक तो मैं बोला मैंने केमिकल रिएक्शन, एंड दूसरा मैं बोल रही हूँ केमिकल इक्वेशन। क्या डिफरेंस है मेन दोनों में, एक एग्जांपल से समझते हैं उसको। मैंने बोला हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस प्लस मैंने बोला ऑक्सीजन गैस, ये दोनों ने मिलके क्या बनाया, वाटर। क्या ये केमिकल रिएक्शन है, हाँ, कि भाई अभी अभी एग्जांपल पढ़ के आए थे कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलके क्या बनाती है, वाटर। एक एग्जांपल और, अगर मैं बोलूं आपको मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये मिलके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या ये केमिकल इक्वेशन है क्या, हाँ बिल्कुल आप बोलोगे केमिकल इक्वेशन, लेकिन बेटा हर बार इस तरीके से लिखना हमारे लिए सुटेबल नहीं होता, उसका रीजन होता है क्योंकि जैसे मान लो मैंने बोला मैग्नीशियम, तो आपको क्या यहाँ पे ये पता चल रहा है क्या कि मेरे रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, मैग्नीशियम के कितने एटम हैं या उधर कितने एटम हैं, नहीं पता सकते ना। इसीलिए हम कोई भी केमिकल इक्वेशन को उसके सिंबल्स में लिखते हैं। इसको एग्जांपल समझो, मान लो मैं ये मैग्नीशियम वाली रिएक्शन है, मैं इसको कैसे लिखूंगी, Mg, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, प्लस मैंने बोला कि यहां पे क्या ले रही हूं मैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को मैं क्या लिखती हूं, O2, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2 डायटोमिक गैस होती है। इसने क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंने बोला MgO। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना, उसको बोलते हैं अपन केमिकल इक्वेशन। तो ये बात ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है। केमिकल रिएक्शन का मतलब आप कोई भी रिएक्शन क्या कंडक्ट हो रही है उसके बारे में बता रहे हो, लेकिन केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल दिख रहा होगा कितने एटम रिएक्टेंट की साइड है, कितने एटम प्रोडक्ट की साइड है, वो आप केमिकल रिएक्शंस के अंदर नहीं बता सकते हो। तो केमिकल इक्वेशंस, इक्वेशंस का तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला, उसी को अपन क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, आगे देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं किसी भी कैरेक्टरिस्टिक, देखो एक तो मेनली यही होता है कि आप कोई भी केमिकल इक्वेशन जब लिख रहे हो तो कोई भी केमिकल्स, जो भी सब्सटेंस है उसके आगे उसकी स्टेट भी बताओ। जैसे अभी मैंने यहाँ पे बात करी हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या बना रहे हैं, वाटर, ये तो नॉर्मल केमिकल रिएक्शन है। क्या ये पूरी तरीके से कंप्लीट इक्वेशन है, क्या नहीं, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। पहला कैरेक्टर क्या होता है कि आप जो भी यहाँ पे केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो उसके हर एक सब्सटेंस के बारे में आपको उसकी स्टेट पता होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन किस फॉर्म में रहती है, गैस फॉर्म के अंदर। मैं बोलूँ ऑक्सीजन कौन सी फॉर्म में रहती है, गैस फॉर्म के अंदर। वाटर कौन से फॉर्म में, एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म कौन सी होती है, लिक्विड फॉर्म के अंदर। तो आपको हर एक के बारे में, उसके बारे में क्या लिखना है, उसकी स्टेट पता होनी चाहिए। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट, आगे अपन सीखेंगे इसके बारे में, कि रिएक्शन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस होने का मतलब क्या है,
रिएक्टेंट साइड में आप जितने एटम ले रहे हैं उतने के उतने एटम आपके कितने होने चाहिए प्रोडक्ट के साइड भी होने चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट की साइड और रिएक्टेंट की साइड दोनों की साइड जो आपके एटम्स के नंबर हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। उसको बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन, और तभी वो केमिकल इक्वेशन मानी जाती है। जब तक वो बैलेंस नहीं है, आपने उसकी स्टेट नहीं बताई, तब तक आप उसको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट केमिकल इक्वेशन नहीं बोल सकते हो। तो यहाँ पे कैक्टस ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर, दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। आगे मैं आपको बताऊंगी ये चीज कि हमको केवल ऐसा लिखना ही कंप्लीट नहीं होता है, हमको उसके आगे उसकी स्टेट भी बतानी होती है, वो तभी कंप्लीट इक्वेशन मानी जाती है। मैंने आगे ये चीज अपन सीखेंगे कि बैलेंस्ड इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था Mg और O2 वाला, मैंने बोला Mg प्लस O2 क्या बना रहे हैं, MgO। अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखोगे, मुझे बताओ मैग्नीशियम के कितने एटम है, 1, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने एटम दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, 2। आगे इधर देखो प्रोडक्ट साइड के अंदर, अगर रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम का एक एटम है तो प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम का एटम कितना है, 1। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन को देखोगे तो ऑक्सीजन कितना है, 1 एटम। क्या बैलेंस्ड है क्या? नहीं। देखो रिएक्टेंट साइड के अंदर 2 एटम है और प्रोडक्ट साइड में कितना एटम है, 1। तो इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये चीज वापस सुन लेना बहुत ध्यान से, किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर हमको हर एक एटम के हर एक सब्सटेंस की एक तो स्टेट बतानी होती है, दूसरा बैलेंस्ड करनी होती है किसी, और बैलेंस करना सीखेंगे, मैं बताऊंगी आपको कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसको बैलेंस करते हैं अपन। मैंने बोला मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है, 1, O2 कितना है इधर, MgO है। अब अगर इधर 2 है तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसको बैलेंस करते हैं। देखो मैंने बोला Mg प्लस O2 और ये क्या बना रहा है, MgO। अगर मैंने बोला यहाँ पे O2 है तो इधर भी मुझे कितने चाहिएंगे, 2 ऑक्सीजन एटम, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया 2। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ा, ऑक्सीजन तो मेरे 2 हो गए लेकिन मैग्नीशियम में यहाँ पे कितने हो गए, 2। तो मैं क्या करूँगी, इधर भी 2 लगा दूँ। अब एक बार इसको ध्यान से देखना, मैग्नीशियम यहाँ पे कितने हो गए, 2। क्या प्रोडक्ट साइड में देखो मैग्नीशियम कितने हैं, 2। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 2। क्या बैलेंस्ड है क्या सारे आइटम, बिल्कुल। और इसी को क्या बोलते हैं अपन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो कल हम क्या करेंगे, कल हम इक्वेशन बैलेंस करना सीखेंगे, आगे केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप होते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे, कोरोशन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होती है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, कल आपका चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो प्लीज़ पढ़िए, ऑल द बेस्ट।